गीता जयंती पर होंगे विश्व भर में विविध आयोजन। गीता सप्ताह मनाने को लेकर कार्य योजना हुई तैयार। विश्व गीता प्रतिष्ठानम पांचवें प्रांत की बैठक दमोह में हुई संपन्न। नमस्कार, समाचार विस्तार से। विश्व गीता प्रतिष्ठान उज्जैन के माकोचल प्रांत की बैठक दमोह में संपन्न हुई, जिसमें पिछले जन्म में मैंने क्या किया, और यही है, भूलना बहुत आवश्यक है। अगर नहीं भूले तो पुरानी और बुरी बातें बहुत याद रहती है, अच्छी बातें हम भूल जाते हैं जरूर। इसलिए भूलना याददाश्त पर पर्दा पड़ना, मतलब वो रेत को हिला देना, उस मकान को मिटाकर फिर रेत बना देना, ये बहुत आवश्यक है। नहीं तो पुरानी लिखी लिखाई स्लेट बन जाती है हमारी, स्लेट पर लिख दिया है थोड़ा मिटा। आयोजन के प्रयोजन के संबंध में हमने पंडित महेश प्रसाद पांडे से चर्चा की। आज एक विशेष आयोजन हुआ है, कौन सा आयोजन है और क्या है विषय? आज विश्व गीता प्रतिष्ठानम उज्जैनी की जो दमोह जिला इकाई शाखा है, उसके द्वारा हमारे समस्त महाकौशल प्रांत के विश्व गीता प्रतिष्ठानम के केंद्रीय पदाधिकारी, प्रांतीय पदाधिकारी एवं दमोह जिले के समस्त गीता स्वाध्याय मंडल के गीता अनुरागी, गीता साधक जन इसमें शामिल हुए हैं, और यह गोष्ठी महाकौशल प्रांत की आयोजित की गई है। विशेष रूप से जो इसी आगामी 14 दिसंबर को गीता जयंती का कार्यक्रम है, जो प्रतिवर्ष मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी को होती है, उसके विषय में अगले माह 7-8-9 जनवरी को ललितपुर में अखिल भारतीय गीता महोत्सव का आयोजन है, उसके संदर्भ में भी आज जो है चर्चाएं की गई, जिसमें बाहर से पधारे हुए विद्वानों में डॉक्टर विष्णु नारायण जी तिवारी जो केंद्रीय महामंत्री हैं, डॉक्टर जेएल त्रिपाठी जी रीवा, और रामायण जी पांडे, और विभिन्न जिलों से इसमें विद्वान गीता के पधारे, जिन्होंने अपने उद्बोधन के द्वारा उपस्थित समस्त गीता प्रेमियों के लिए सरलतम भाषा में गीता के ऊपर अपना संक्षिप्त उद्बोधन दिया, लोगों को अवगत कराया। सामान्य तौर से लोगों में यह धारणा है कि गीता बहुत कठिन है, गीता हम पढ़ नहीं सकते, तो उसमें कैसे सरल तरीके से, सरलतम तरीके से उसको गीता से जुड़ा जा सकता है, गीता को पढ़ सकते हैं हम, गीता का अध्ययन कर सकते हैं, गीता को समझ सकते हैं, इस विषय में भी ये गोष्ठी आयोजित की गई थी। और इस विश्व गीता प्रतिष्ठानम का मुख्य उद्देश्य है कि गीता को लोग पढ़ते नहीं हैं, तो अधिकतम लोग जन जन तक गीता की वाणी, जिसमें भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से निकली हुई जो अमृत वाणी है, उसका अधिकतम लोग लाभ ले सकें। और वहीं दूसरी ओर राष्ट्रीय कार्यकारिणी के जो पदाधिकारी थे, महामंत्री हैं, और अन्य पदाधिकारियों से भी हमने चर्चा की। आज एक विशेष बैठक और कार्यक्रम का आयोजन हुआ है विश्व गीता प्रतिष्ठानम उज्जैनी के तत्वाधान में, क्या है विषय? विश्व गीता प्रतिष्ठानम गीता को राष्ट्र ग्रंथ बनाने के लिए कार्य करता है, जिसके लिए गीता स्वाध्याय मंडल, गीता की परीक्षाएं, गीता की स्पर्धाएं, गीता पर व्याख्यान और विभिन्न प्रतियोगिताएं, गीत भजन इत्यादि आयोजित करके पहले हम लोग बनाते हैं जनसंगठन, तो गांव-गांव मोहल्लों में जाके, नगर नगर में जाके, और वो संगठन बनाते हैं, स्वाध्याय मंडल बनता है, फिर उसके बाद में धीरे धीरे उसको आगे लेकर जाते हैं। ऐसे स्वाध्याय मंडल हमारे कई गाँव में, कई नगरों में, मोहल्लों में, कई जिलों में, कई प्रांतों में,
और देश से बाहर भी हमारा काम है। आज दमोह में बैठक हुई है और इस बैठक में क्या निर्णय लिए? अपने मध्य प्रदेश जो है इसके हमने कार्य की दृष्टि से तीन भाग किए हैं, एक मालवा प्रांत, एक मध्य प्रांत, एक महाकौशल। तो ये महाकौशल के जो 22 जिले हैं, इन 22 जिलों के प्रतिनिधियों की बैठक है और इस बैठक में हमारी जो किया हुआ कार्य है उसकी समीक्षा करना हमको है और आगे की योजना करना है। इसमें अभी जैसे मान लीजिए प्रवास करना है, फिर संगठन का जो आगरा महोत्सव है हमारा गीता महोत्सव अखिल भारतीय स्तर का ललितपुर में, उसकी तैयारियों के बारे में बैठक है। त्रिपाठी गीता जयंती एक विशेष महत्व सनातन धर्मावलंबियों के लिए भी और अन्य धर्म के लिए संकेत का भी, क्या है गीता जयंती? बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सर आपको, आपने इतना महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। इस प्रश्न से समाज में आईना मिलेगा और समाज को ये मालूम होगा कि आखिर गीता जयंती क्या है। जिस दिन भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह ज्ञानोपदेश दे रहे थे, उसी दिन अगहन शुक्ल पक्ष की एकादशी की तिथि थी। वो अगहन शुक्ल पक्ष एकादशी की तिथि जिस दिन भगवान ने अर्जुन को यह ज्ञानोपदेश दिया, उस तिथि के कारण प्रत्येक वर्ष उसी अगहन शुक्ल पक्ष एकादशी को गीता जयंती मनाई जाती। विश्व गीता प्रतिष्ठानम गीता को लेकर पूरे विश्व में एक अलग जगह जगाए हुए हैं और गीता जयंती पर उसके किस प्रकार के आयोजन होंगे? विश्व गीता प्रतिष्ठानम का लक्ष्य है कि पूरे भारत में ही नहीं पूरे विश्व में हम गीता को हर घर तक, घर घर गीता का प्रचार हो, हमारा ये ध्येय है। गीता जयंती के अवसर पर विविध आयोजन किए जाना है और इसके लिए रूपरेखा तय की गई है। दिन भर ये बैठक चली, गीता स्वाध्याय पाठ भी हुआ और अन्य धार्मिक आयोजन भी हुए, गीत संगीत का भी आयोजन हुआ।